दिस इज मी अर्चना, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग अर्चना। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके पीछे का रीजन है कि मुझे काफी सालों लग गए इस चीज को समझते हुए, और हाल में आपको कंटेंट देख के पता चल गया होगा, हाल में मैं अपनी स्किन के लिए, मेरे स्किन थोड़े से ऑड एंड इवन हो रहे थे, यहाँ के स्किन और यहाँ की स्किन के लिए, तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने गई थी और घंटों बात करी एंड बहुत चीज़ें मुझे समझ में आई, सामने आई। मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे आप लोग सभी से शेयर करनी चाहिए बिकॉज बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है और हम उसको ध्यान नहीं देते। जिन लोगों ने भी अभी तक ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, बहुत ही इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। और दिस इज द वन ऑफ माई फेवरेट वीडियो। ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने मैं मॉर्निंग रूटीन पे आती हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं अपनी स्किन को साफ़ करती हूँ सुबह में, और ये है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र जो पिछले एक साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही माइल्ड है। अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करके फेस को क्लीन कर लेती हूँ, फिर कॉटन का टॉवल हो या कॉटन का हैंकरचीफ, उसे हल्के हाथों से आप स्किन का पानी को साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद मेरी रूटीन में है कि मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ अपने चेहरे को। मैं पहले सेटाफिल यूज़ करती थी, अभी न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन एक्चुअली, थोड़ा ड्राई, बीच का जो पार्ट है दैट इज़ ड्राई, और ऊपर का थोड़ा ऑयल जैसा है, नॉट पूरा ऑयली, और हल्के हाथों से ये बहुत अच्छा मसाज हो जाता है। और रिसेंटली मैंने ये चालू किया और डर्मेटोलॉजी से मिलने के बाद मुझे मॉइस्चराइज़र के फ़ायदे पता चले हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए। बस पता था कि यूज़ करना चाहिए पर क्यों। मॉइस्चराइजिंग रिड्यूस द चांसेस ऑफ स्किन प्रॉब्लम, मॉइस्चराइजिंग कैन रिड्यूस द अपेरेंस ऑफ अदर ब्लेमिसेस, मॉइस्चराइजर हेल्प योर स्किन स्टे यंग, एंड मॉइस्चराइजर फाइट रिंकल्स। इसके बहुत फ़ायदे हैं, हमें सुबह और शाम करना चाहिए। पहले मैं सेटाफिल करती थी, दो टाइम हमें मॉइस्चराइज करना चाहिए। अभी मैं सनस्क्रीन यूज़ करूँगी, सनस्क्रीन मैं इसको ब्यूटी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं मानती हूँ और मुझे इसके फ़ायदे नहीं पता था कि कितने फ़ायदे हैं। और पहले तो मैं ऐसा सोचती थी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना स्किन के लिए अच्छा नहीं है, पर अभी दिखाने के बाद, रियल नज़दीक से समझने के बाद इसके फ़ायदे पता चले। मैं पहले ROC का यूज़ करती थी, अभी मैं बायोटिक का 100% ये नेचुरल है ये यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत फ़ायदे हैं, कुछ मैं आपको बता रही हूँ। इट्स प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम UV रेस, इट्स लोअर योर स्किन कैंसर रिस्क, जो कि US में मैंने पढ़ा है 71,000 के आसपास लोगों को स्किन कैंसर हो जाते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। एंड देन इट्स प्रिवेंट्स प्री मेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन, बहुत आप देखोगे कि कितने लोगों की आँखों के नीचे में रिंकल्स हो जाते हैं, ओठों के साइड में रिंकल्स हो जाते हैं, तो वो भी कम करता है। इट्स हेल्प मेंटेन एन इवन स्किन टोन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।